फाइल दोस्तों, यहाँ पर इंडिया पोस्ट की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुकी है और अभी जस्ट अभी से जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने सुबह के टाइम में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, नई नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड हो रहा था। अभी आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले चलिए नोटिफिकेशन को आपको दिखा देते हैं, इसमें मेन मेन चीज़ें क्या बताया गया है, सबसे पहले उसको देख लें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना आपको बताते हैं। घर बैठे मोबाइल के थ्रू आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लिया और यहाँ पर आप डेट भी देख पाएंगे, ये 12 जुलाई 2024 को यहाँ पर प्रदर्शित की गई थी, इस पीडीएफ को बनाया गया था, लेकिन इसे आप जो है साइट पर आज डाला गया है। अब इसमें भी ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए आएंगे इसमें, तो सबसे पहले मेन मेन चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट जो है आज से स्टार्ट हुई है और 5 अगस्त तक आप कर सकते हैं। साथ ही इसमें एडिट और करेक्शन जो डेट स्टार्ट होगी वो 6 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक यहाँ पर आपको समय मिलेगा, आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे। 2 पोस्ट के लिए यहाँ पर कैटेगरी में बताया गया है, बीपीएम और एबीपीएम, जिनकी सैलरी 12,000 से लेकर के 29,000 और इनकी 10,000 से लेकर के 24,470 रुपये यहाँ पर बताई गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल पोस्ट के लिए जो बताया गया है, सबसे पहले इसे देखेंगे। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर 18 से 40 वर्ष रखा गया है और इसमें एज रिलेक्शन का भी जो है प्रावधान रखा गया है। और इसमें ऊपर की तरफ जाएंगे दोस्तों तो एज रिलेक्शन में जो यहाँ पर आपको छूट मिलेगी, यहाँ पर देख सकते हैं एस सी एस टी 5 साल, ओबीसी 3 साल और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए कोई कुछ भी नहीं है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13 साल और एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी 15 साल की यहाँ पर एज रिलेक्शन आपको मिल जाती है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें बताया गया है, पहले से भी हमने इस पर चर्चा कर वीडियो बना रखा है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट, आप जीडीएस इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट, आप 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क इन मैथमेटिक एंड इंग्लिश एजुकेटेड बाई एनी रिकोगनाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाई द गवर्नमेंट, यानी किसी भी सरकारी स्कूल से आप जो है मैथमेटिक यानी मैथ और इंग्लिश आपके ये जो है सब्जेक्ट होने चाहिए हाई स्कूल में, अन्यथा आप इसमें नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ये 2 सब्जेक्ट नहीं है आपके हाई स्कूल में तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 10वीं की जो है एग्ज़ाम में आपका मैथमेटिक और इंग्लिश ये दोनों होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके साथ जो अदर क्वालिफिकेशन बताया गया है, इसमें कंप्यूटर के भी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, एडेप्टिव मींस ऑफ लिवलीहुड का भी यहाँ पर आपको होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आरक्षण की बात करें तो इसमें भी आरक्षण जो है रखा गया है एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी के लिए। सिलेक्शन इसमें दोस्तों मेरिट के आधार पर होगा, साथ ही यहाँ पर बता दें अगर आप इसका सिलेक्शन हो जाता है आपका इसमें, तब आपको यहाँ पर फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। इसमें मार्कशीट आपको अपना ले जाना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, अगर आप ट्रांसजेंडर है इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट ले जाना होगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ आईडी कोई ले जाना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय मेडिकल ऑफिसर, अगर कोई आपकी डिसेबिलिटी है तो इसके अंतर्गत जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मिला है वो ले जाना होगा। फिलहाल दोस्तों इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, जितनी मेन चीज़ें थे हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन के पेज पर चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से जब ऑप्शन ओपन हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर, और मोबाइल नंबर डालने के बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना, उसी ही प्रकार से आपको ईमेल एक डालना है, ईमेल डालने के बाद वैलिडेट ईमेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एप्लीसेंट नेम एज फॉर सेकेंडरी स्कूल पास, यानी दो जैसे कि आपकी 10वीं की मार्कशीट पर नाम लिखा गया है वैसे ही नाम लिखेंगे। उसके बाद फादर नेम भी आप वैसे ही लिखेंगे जैसे आपके 10वीं की मार्कशीट पर लिखा गया है। डेट ऑफ बर्थ जैसा कि हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा गया है, आप यहां पर अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर यहां पर देखेंगे कम्युनिटी में आकर के, तो यहां पर यू आर या एस सी यानी जो आपका कास्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर सर्कल इन व्हिच सेकेंडरी स्कूल पास्ड, उसके बाद यहाँ से आप जो है किस स्टेट से अपना जो है पास किए हैं हाई स्कूल वो आकर के आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपको पासिंग ईयर डाल देना है कि आपने जो है हाई स्कूल किस सन में जो है पास किया था। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये टेक्स्ट जो दिया गया है यहाँ पर डाल करके आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना। चलिए इतनी सारी चीज़ें हम भर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने सारे डिटेल को फिलअप कर दिया है, अगर हमारा सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
तो देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज आवर रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड, प्लीज़ कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल आवर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन दोस्तों हो चुका है और अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर हमें डिटेल जो है आ चुकी है डालने के लिए। अब इसमें यहाँ पर आधार नंबर, उसके बाद एरिया यू आर ए पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत अगर आप हैं, इसमें आकर के यस या नो का सिलेक्शन करना है। यस है तो यस करेंगे, उसके फिर आप टाइप डिसेबिलिटी भी और डिसेबिलिटी भी सिलेक्ट करना होगा और उसका जो है आपको प्रमाण भी यहाँ पर देना होगा, सर्टिफिकेट भी देना होगा। लैंग्वेज डिग्री इन सेकेंडरी स्कूल में आकर के आपको जो है किन किन लैंग्वेज से आपने जो है हाई स्कूल की है उसे आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वेदर एम्प्लॉयड, अगर आप कहीं भी एम्प्लॉयड हैं तो यस करेंगे वरना आप नो कर दे देंगे। अगर आप एम्प्लॉयड यस करते हैं तो उसका एनओसी सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। अब यहाँ पर देखिए फोटो की साइज़ जो रहेगी दोस्तों यहाँ पर 50 की भी रहेगी, 200 DPI में। कैसे बनाना है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक दिया हुआ, जा करके देख करके आप पहले फोटो और सिग्नेचर बना लीजिए। फोटो और सिग्नेचर दोस्तों यहाँ पर हम बना करके इसे अपलोड कर देंगे। यहाँ पर चूज फाइल में आएंगे तो यहाँ से जहाँ पर भी हमने रखा है उस फोटो को अपलोड करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों मैंने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारा सारी डिटेल जो है सबमिट हो चुकी है और इसे हम यहाँ पर आई हियरवाइज पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमें मिल चुका है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पर जो है कॉपी करके रख लेंगे, हमारे मेल पर भी आ चुका है रजिस्ट्रेशन नंबर, इसी से हम जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू टू अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहां से आपको सिर्फ 4 ऑप्शन फिलअप करने होंगे इस कंप्लीट फॉर्म को भरने के लिए, डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म, प्रेफरेंस, उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। यहां पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक आ गया है, अगर आपका नहीं आएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर डालना है और आपको यहां पर सर्कल यानी कि जो भी स्टेट आपने सिलेक्ट किया था वो सर्कल आपको सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, देख सकते हैं OTP आ चुका है। OTP हम यहां पर दोस्तों फिलअप करेंगे नीचे, उसके बाद एक कैप्चा कोड डालेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहां पर हमने OTP डाल दिया है, कैप्चा भी सही प्रकार से डाल दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। देखेंगे दूसरा ऑप्शन आ चुका है एप्लीकेशन फॉर्म का, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए आएंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस हम अपना फिलअप करेंगे, जैसा कि हमारे आधार कार्ड में दिया हुआ है सेम एड्रेस हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर फिलअप करेंगे दोस्तों, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो इसमें जो है एड्रेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर, हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज का नाम, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड भी आप यहां पर अपना डाल सकते हैं। अगर परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो यहां पर सेम एज पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से, तो यहां पर वो इसमें भी फिल हो जाएगा। अब यहां पर देखते सिलेक्ट बोर्ड में आएंगे दोस्तों, तो अपना जो है हाई स्कूल का बोर्ड यहां पर आकर के सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हाई स्कूल का बोर्ड सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों ऊपर की तरफ आएंगे, इसमें सिलेक्ट रिजल्ट टाइप में आपका मार्क यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मार्क जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे तो हाई स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट आपने लिए हैं दोस्तों आ करके इसमें इस तरीके से आ करके आपने हिंदी यहाँ पर सिलेक्ट किया तो हिंदी में कितने 100 में से पाए थे वो आपको डालना है। दूसरे में आना है दोस्तों यहाँ पर, अगर आप दूसरे जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट लिया था उस सब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब इंग्लिश में कितने नंबर आप पाए थे 100 में से वो आपको डालना है। इसी प्रकार से आपको 6 सब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और 6 सब्जेक्ट में जितना आप 100 में से पाए थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर आपको इस पर नहीं क्लिक करना है, अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा तो ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। अगर आप CGPA पद्धति से पास हुए हैं तो उसका भी स्कोर आपको यहाँ पे देना होगा ना, आप दोनों को छोड़ करके आप सेव एंड कंटिन्यू पर डायरेक्टली क्लिक कर दीजिएगा, बस इतना ही इसमें करना है। चलिए ये सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पर भर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एड्रेस भी भर लिया है और यहाँ पर सारे मार्क्स को भी भर लिया है, आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये भी सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर जितने भी डिटेल आप डालेंगे दोस्तों सेम आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए आपकी, आधार कार्ड से मैच ना होने कारण ये यहाँ पर दिखा रहा था। तो आधार कार्ड में जैसा डिटेल आपका लिखा गया है सेम वैसा ही एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट नेम, ग्राम पंचायत वगैरह आपको डालना है। अब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए आएंगे, देखिए हमारा ये सब हो चुका है। अब यहाँ पर सर्कल अप्लाइंग फॉर उत्तर प्रदेश और सिलेक्ट डिवीजन, अब हमारा जो डिवीजन लगता होगा आपका जो डिवीजन लगता होगा आपको आकर के यहाँ पर देख करके दोस्तों आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जितने भी डिवीज़न यहाँ पर आते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर मैं अपना डिवीज़न जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे इस तरीके से प्रेफरेंस चुनने का जो है आपको ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर ऑफिस का नाम दिया गया है,
और यहाँ पर जो है पोस्ट दिया गया है, यहाँ पर ग्राम का नाम भी दिया गया है जहाँ पर ये जो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसका नाम दिया गया है, और यहाँ पर ये ग्राम सभा। अब देखिए जैसे कि इसको हमें पहले नंबर पर अगर रखना है तो इसमें हम पहला डाल देंगे। अब इसको हम यहाँ पर अगर इसे इस जो है ग्राम पंचायत पोस्ट ऑफिस को हम ग्राम पोस्ट ऑफिस को दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसे दो नंबर पर कर देंगे। इस तरीके से आपको कर करके जो है यहाँ पर आपको ये प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लेना है। जितने भी यहाँ पर प्रेफरेंस दिए गए हैं 10, आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे कई सारे नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप क्लिक करेंगे तो आपके हो सकता है नज़दीकी ग्राम पंचायत का पोस्ट ऑफिस इसमें नज़र आ जाए, उसे भी आप यहाँ पर प्रेफरेंस के तौर पर दूसरे तीसरे स्थान पर रख सकते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पर पहले सर्च कर लेना है दोस्तों, अच्छे से यहाँ पर आपको देख लेना है सभी नंबरों पर क्लिक करके, आपके जो जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस हो उसे ही प्रेफरेंस में आपको यहाँ पर रखना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस सबको रखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आई हियर बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नीचे चले जाना है सेव एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आप जो 6, 7, 10 जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं प्रेफरेंस, आप अपना नज़दीकी पोस्ट ऑफिस देख करके दोस्तों सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर मैं दोस्तों वीडियो जो है बनाया है, आपको एक डेमो वीडियो बनाया है आपको मोबाइल से करके किस तरीके से आप मोबाइल से कर सकते हैं घर बैठे, इसके लिए मैं यहाँ पर सभी चीज़ें फटाफट फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर तरफ स्क्रॉल करते आएंगे, देखिए हमारा फॉर्म जो है तैयार हो चुका है दोस्तों। अब इसमें आप एक बार सारी डिटेल को चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल को अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए आएगा, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, और इस प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी अपने प्रेफरेंस सिलेक्ट किए हैं यहाँ पर आपको नंबर वाइज दिख जाएंगे। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं बैक जा करके चेंज कर लीजिएगा, अन्यथा आप वही फिर अगस्त में 8 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक यहाँ पर आपको जो भी दिया गया है उसी में करेक्शन कर पाएंगे। अब देखिए लास्ट यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और ये हमारा फॉर्म पीडीएफ में जो है तैयार हो जाएगा, और इसे हम पीडीएफ में डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप घर बैठे मोबाइल के थ्रू ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों अगर ये फॉर्म आपका प्रिंट नहीं हो रहा है तो आप इस फॉर्म को आप बाद में भी प्रिंट कर सकते हैं, और इसका भी वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप प्रिंट नहीं कर पाएँ तो कैसे प्रिंट कर पाएंगे।